नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, बारिश के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में अभी भी गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। एमजी नरेगा के विकास के कामों में मटेरियल सप्लाई करने वाले लोगों ने पेमेंट्स नहीं दिए जाने के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। और बिश्नाक क्षेत्र में खेल का मैदान न होने के कारण युवाओं को लेना पड़ रहा है खेतों का सहारा। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आज फिर मौसम बिगड़ गया। मौसम विभाग द्वारा जारी भविष्यवाणी के अनुसार ही जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं कश्मीर घाटी सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो शहर के विभिन्न इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। बनिहाल क्षेत्र की पंचायत डोलीगाम अपर के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले एक गरीब परिवार ने जिला विकास आयुक्त रामबन से अपील की है कि वे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की स्वीकृति दें और इसका लाभ उन्हें पहुंचाए। गरीब परिवार के सदस्यों का कहना था कि उनका मकान कच्चा है और बारिश और बर्फबारी के दिनों में अक्सर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उनकी ये मांग पूरी की जाए। बिश्नाक क्षेत्र में बड़ी तादाद में लोग अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। हालांकि लोगों ने इस योजना के तहत अपने फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस सिलसिले में उचित कार्रवाई नहीं की है और ना ही लोगों से संपर्क किया है। वही गरीब लोगों को बारिश के दिनों में घरों की समस्या के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इस मसले पर प्रशासन से गुहार लगाई कि इस सिलसिले में उनकी मदद की जाए। आहो, साढ़े मकान नहीं पक्का, एक मकान गै सानू पक्का दी ओड़ो ते साढ़े बच्चे भी थोड़े सुखा साह लेई जान। ते दसमीं च रेही गै बेचारा, ओह् बी इ'यां ध्याड़ीदार समझ आखदा मी ध्याड़ी लान्ना। मम्मी मी केह् करां, मी कम्म केह् करां, डैडी कोई कम्म नी करदा। में आखेआ पुत्तर कम्म कि'यां करना, कम्म होवे ते करना ना। ते अस बस इ'यै सोचने भाई मालका कुतै सानू बी कुतै मकान इक देई ओड़ो। साढ़े फिर चिर होई गेआ फार्म लांदे ते पैसा सानू कोई नी थ्होया, समझी गल। ते हून पता नहीं हून मी कुत्थें देने न जां नेईं देने, इन्ना पता सानू हैनी। जे देई ओड़गे ते पाई लैगे कुतै, ते नेईं देगे ते तुं'दी मेहरबानी। के मोदी सरकार गी केह् आखना चाहगे ओ? मोदी सरकार गी स्कीमां आंदियां ना, क्या लोकें तकर पुजदियां ना, गरीब लोकें तकर? ओह् हैनी पुजदियां, जेह्ड़ियां स्कीमां तुस भेजदे ओ ओह् हैनी पुजदियां। खाली वोट लैन आंदे ना, खाली साढ़े कमरे नहीं दिखदे है कि कमरे दिक्खन जाए कि'यां, साढ़ी हैल्प करन जाए कि'यां। ते सरपंच साहब भी है साढ़ी, ओह् बी नहीं दिखदी है। पैसे आंदे भी हैन, आखदे आई गेदे न, ते जेल्लै लैने मुक जाओ ते पता नहीं किसी केह् करी ओड़दे केह् नहीं, पैसे पिस्से दे पिस्से गै चली जंदे। एमजी नरेगा योजना के तहत सरकार कई विकास के काम करवा रही है और इन विकास के कामों में लोग तो अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं इन कामों में मटेरियल का जो इस्तेमाल हो रहा है उनका भुगतान अभी तक सरकार ने मटेरियल सप्लाई करने वालों को नहीं किया है। मटेरियल सप्लाई करने वालों ने आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा की अगुवाई में ढंसाल ब्लॉक में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि उनकी मटेरियल पेमेंट्स जल्द से जल्द जारी की जाए। पेमेंट्स ना मिलने के कारण मटेरियल सप्लाई करने वालों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनिल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि अगर सरकार ने लोगों का भुगतान नहीं किया तो वे अपनी आवाज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बुलंद करेंगे। आज तमाम जितने भी जो वेंडर्स हैं, सप्लायर हैं, तमाम लोग जो हैं, अब ये लोग तमाम जो हैं, इनको सरकार ने नाम दे दिया वेंडर सप्लायर, लेकिन हकीकत ये है कि इन लोगों की वजह से आज ब्लॉक ढंसाल के अंदर नालियां बनी हैं,
जो है लेन्स बनी है, किसी का पोंड बना है, किसी का जो है वो कुआं बना है, किसी का प्रोटेक्शन का काम हुआ है, लेकिन इन तमाम गरीब लोगों का पैसा बागुजार सरकार ने नहीं किया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज इन तमाम लोगों ने हमें जहां पे बुलाया और जहां पे बातचीत हुई और तमाम डंसाल ब्लॉक के तमाम लोगों ने ये तहिया किया है कि हम लोग डंसाल ब्लॉक से शुरुआत करेंगे और करना कुपवाड़ा अनंतनाग बारामूला तक हम लोग जाएंगे और सरकार को जो है ये जब बताएंगे कि इन गरीब लोगों की जो लाइबिलिटी है एमजी नरेगा की 2016 2017 की 2018 की ये लाइबिलिटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। बिश्ना इलाके में जो ये दृश्य आप देख रहे हैं ये कोई खेल का मैदान नहीं है बल्कि ये खेत है जहाँ पर युवा रोज अपनी खेल गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बिश्ना क्षेत्र में कोई भी खेल का मैदान नहीं है जिस कारण युवा खेतों में खेलने के लिए मजबूर है। पंचायत रतनाल के कोठे सैनिक क्षेत्र के युवाओं का कहना था कि वे लोग खेलों के लिए प्रति गहरी दिलचस्पी रखते हैं मगर खेल का मैदान न होने के कारण वे खेत में ही खेलकर अपने इस शौक को पूरा कर रहे हैं। युवाओं ने सरकार से कहा कि बिश्ना में सुविधाओं से संपन्न खेल का मैदान बनाया जाए ताकि युवा अपनी खेल गतिविधियों को अंजाम दे सकें। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ग्राउंड चाहिए, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि हम ग्राउंड चाहिए, हम खेल नहीं पाते यहाँ, इतना कचरे से स्मेल भी आती है तो हम खेल नहीं पाते। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ ग्राउंड दिलाओ, मतलब पूरे बिश्नाह में कहीं ग्राउंड नहीं है। रियाल है वहाँ बड़े लोग जाते हैं बट हम नहीं जा पाते, जम्मू भी है वहाँ बड़े लोग जाते हैं बट हम नहीं जा पाते, लेकिन प्लीज़ हमें यहाँ ग्राउंड दिलवाएं। असं आखना चाहते हैं साढ़े पिंड के मुड़े बड़ा अच्छा खेलते हैं, सारे इनके जनून बड़ा खेलने का, निक्के कोल बड़े सारे जनून है, लेकिन साढ़े को ग्राउंड नहीं, देखो कि गंद इतने पेदा साढ़े को ग्राउंड तो है नहीं। गवर्नमेंट को अपील करें सू ग्राउंड सैंशन करो हर पंचायत लैवल उपर कि जो निके कोई बड़े बच्चे इतना खेडन तो थोड़ा जनून वास्ते फिटनेस भी थोड़ा वो है। कन्नै साढ़े मतलब कि इतने पंचायत मिनी स्टेडियम होन, कन्नै कोच होवे, कन्नै मतलब कि एक गार्ड गूड होवे जो साढ़े मतलब कि समान ही मतलब कि राखी रुखी करे। अगे असें बोल लोए हे मतलब पंचायत ने दिते सू बिकी सरपंच साढ़ा उन्हें सू बोल दवाए हे MLA साहब को, तो साढ़े कोई पोल भी चुकी ली है रातों रात सर है मतलब दो बारी आए मतलब पोल आते जितों मर्जी पर उन्हें कुछ ने चोरी कर लिया सर। भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के अध्यक्ष स्वामी राज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला डोडा के इंचार्ज बलदेव सिंह बलोरिया ने जिला डोडा के DDC चेयरमैन, DDC सदस्यों, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष के साथ पूर्व में हुए पार्टी के कार्यों पर समीक्षा की। बलोरिया ने कहा कि जिस तरह जिला डोडा के कार्यकर्ताओं ने घर घर जनसंपर्क कर पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया है, उन्हें विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जिला डोडा में फूल खिलेगा और जनता एक बार फिर भाजपा को आशीर्वाद देगी। पीछे प्रोग्राम हुए हैं, आए थे, उनमें कैसा रहा, किस ढंग की समीक्षा सारी की और आने वाले जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का भी हमने सभी चर्चा किया। डोडा जिला में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जहाँ की हमारी जो DDC काउंसिल है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जो बूथों के अध्यक्ष से लेके और जिलाध्यक्ष तक जितना भी काम पार्टी के आते हैं, एक ढांचा संगठन का बहुत अच्छे तरीके से उसको भी तैयार किया है। जिस तरह केंद्र सरकार की स्कीम्स और लोगों को घर घर पहुंचाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पीछे कोविड के पीरियड में जिस अच्छे तरीके से इस टीम ने काम किया है वो भी इनको मैं साधुवाद देता हूँ। आज हमने पूरी समीक्षा की है, आने वाले जो प्रोग्राम है और ख़ासकर हमारा प्रयास है कि डोडा जिला में भारतीय जनता पार्टी दोबारा एक कमल खिलाएगी और जो जहां इलेक्शन होगी तो हमारे MLA भी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। लोक अधिकार मिशन जम्मू कश्मीर सामाजिक संस्था के प्रधान अमरचंद भगत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि MG नरेगा के सपोर्टिंग स्टाफ के वेजेस बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा अन्य रियासतों में इनके वेजेस ज्यादा हैं जबकि यहां केवल उन्हें 6800 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं जो काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस सिलसिले में उचित कदम उठाए। मैं नरेगा के MG नरेगा के सपोर्टिंग स्टाफ जिसमें आपके GRS हैं, आपके टेक्निकल असिस्टेंट हैं, आपके प्रोग्राम ऑफिसर हैं, दूसरे लोग हैं, डाटा ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ये लोग शामिल हैं, तो इन लोगों की जो इनके वेजेस हैं सर, इनके जो वेजेस हैं जो इस वक्त ये इनको दिया जा रहा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल GRS की बात करूं तो GRS को इस वक्त 6800 रुपया पर मंथ एक किस्म का अंदरेरियम दिया जाता है जो कि 226 रुपये पर डे बनता है जो कि एक सरासर नाइंसाफी है। तो इसमें सेंटर ने जब ये एक्ट बनाया था, इस सेंटर ने बाजाबता यूनियन टेरिटरी जो स्टेट्स के लिए छूट दे कर रखी है को अपने हिसाब से इसको रिलैक्सेशन करें, इसको अमेंडमेंट करके इनको वेजेस को वो इनको रिफिक्स कर सकते हैं। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट में अभी GRS की जो सैलरी 39,000 के करीब है, इसी तरह पांडिचेरी में अभी त्रिपुरा में एक निकाली है इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट निकाली है, वहाँ पर कम से कम 15,000 से वो लोग शुरू करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सेल के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा पैसेंजर टैक्स 50% कम करने को लेकर किए गए फैसले को लेकर आभार व्यक्त किया। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने कहा कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है, मगर वह सरकार से मांग करते हैं कि पैसेंजर टैक्स 3 साल के लिए माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का अनएजुकेट युवा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़ा है, जिसके हितों को लेकर सरकार ध्यान दे। आपके माध्यम से हम एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि 3 साल से कोविड है, ये बहुत कम माफ़ किया आपने। अगर ट्रांसपोर्टर को सही मायने में राहत देना चाहते हैं तो 3 साल का ये बेवाफ करना चाहिए। आपके माध्यम से हम कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ट्रांसपोर्टरों की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो J&K के ट्रांसपोर्टर हैं, इनमें मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, इनकी तरफ ध्यान दें। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो आए दिन नए कानून बनाती हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा उसमें भी राहत दिया जाए ट्रांसपोर्टरों को। भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्री और ट्रेड सेल के कन्वीनर श्यामलाल लंगर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आवाम हित में है और इसमें लोगों की सहूलियत का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे इस बजट से संतुष्ट हैं। ये बजट जो है बहुत ही बढ़िया बजट है। आम इसको बजट को जो गरीबी रेखा में लोग रह रहे हैं उनको देख के बनाया गया है, आम जन समाज जो है उनको देख के बनाया गया है, और बहुत ही बढ़िया ये जो है बजट है। इसमें सबसे पहले जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने फैसला लिया कि जितने भी हमारे लोग गरीब लोग हैं उनके लिए पक्के मकान बहुत बढ़िया बना के दिए जाएंगे। उसके बाद एजुकेशन, क्योंकि जो हमें बेसिक चीज़ें जो हैं हमारी उसके ऊपर गौर किया गया है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। इसी तरह हमारे रिंग रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो 155 करोड़ टीकाकरण किया गया है, ये चीज़ें सारी मिला के कुछ अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो इससे ये जोर दे रही है कि ये बजट ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के लिए देश सब प्रिय था, और देश को उन्होंने 155 करोड़ लोगों को टीकाकरण करके जो देश को बचाया है, ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है देश के लिए। जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी उपप्रधान चौधरी मोहन सिंह ने वीरवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परिसीमन आयोग से मांग की कि सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को पहले जैसा ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को समाप्त किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ये एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो रिफ्यूजी लोगों का है और इसको वैसा ही रहने देना चाहिए। ये मैं सरकार से आगाह कर रहा हूं, ऐसी गलती मत करे सरकार। ये हमें पहली बार हक मिला था हमारे रिफ्यूजियों को, जो हमारे 47 के, 71 के और इसके 65 के रिफ्यूजी हैं, सब बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं। राजपूत, शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट, जाट और जितने भी लोग हम ब्राह्मण, ये सब लोग रिफ्यूजी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारा कत्ल मत करे, ये हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी की देन थी जो हमें ये हल्का मिला था 96 में, और आज तक रिफ्यूजी जीता आया। तो सरकार हमें ख़त्म करने जा रही है। मैं जो बात आ रही है कि इसको मत किया जाओ, आरसपुर खासकर, आरसपुरा को मैं आगाह करना चाहता हूँ, जो आरसपुर का हल्का जोड़कर ऊपर गांधीनगर के साथ किया जा रहा है, और वहाँ से लीडर आएंगे, हमारे आरसपुर का नामो निशान मिटा देंगे, जहाँ की लोकल लीडरशिप खत्म हो जाएगी। मैं ये सरकार को वार्निंग दे रहा हूँ, डिलिमिटेशन कमीशन को और बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली को। भारतीय जनता पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में आज पार्टी के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने जनता दरबार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। जम्मू के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने युद्धवीर सेठी को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने उन समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। हर वीरवार की तरह इस वीरवार भी हमारे प्रिय नेता, ज्येष्ठ नेता श्री युद्धवीर सेठी जी द्वारा पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन के अंदर कच्ची छावनी में आज भी लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें राजीव कॉलोनी और अन्य ईस्ट के और सिद्धा के कहीं प्रांत के लोग आए हुए थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई और उनका यहीं पर आज हल हुआ। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मरकोटिया की अगुवाई में कुलट्यार पंचायती के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल ARTO उधमपुर से मिला और उनसे मांग की कि कुलट्यार पंचायती क्षेत्र में बस सुविधा शुरू की जाए।
उन्होंने एआरटीओ को बताया कि बस सेवा नहीं होने से लोगों को कई मील पैदल चलना पड़ता है। बलवंत सिंह मनकोटिया एआरटीओ के साथ मुलाकात के बारे में पत्रकारों को अवगत भी कराया। उसके बाद निकल वो एक मेट्रो एक दिन गुंजेशाने में एक दिन कतरवाने में ना हमारी ये लांदर पंचारी रोड पे वहाँ से एक हमारा पीएमजीएसवाई का रोड है। ये कुलट्याड से लेके ऊपर शंकरी देवता, दो शंकरी देवता हैं, पंचारी के ऊपर शंकरी देवता है, कुलट्याड के ऊपर भी शंकरी देवता है। तो ये दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ जो कुलट्याड से ऊपर है। तो वहाँ से लगभग कोई 9.5 किलोमीटर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड बना है और इसमें सिर्फ ब्लैक टॉप का काम बाकी है, बाकी रोड ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट है। इसमें सिंगल मेटल वगैरह सारा हुआ है। तो यहाँ के लोगों का एक डेपुटेशन आज ऑफिस में आया और इसके बाद हम एआरटीओ उधमपुर से मिले हैं और ये उनसे डिमांड की है कि वहाँ के बस सर्विस या मेडोर सर्विस वहाँ पे दी जाए, क्योंकि मुश्किलात ये है कि आप अक्सर देख रहे हो कि वो ऑलमोस्ट वो खासकर ऊपर वाला पोर्शन बहुत जंगल का एरिया है। वहाँ से आने जाने में, अकेले आने जाने में, चाहे औरत हो, कोई बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, तो बहुत मुश्किल रहती है क्योंकि जंगली जानवरों का बहुत खतरा है इस समय। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद अकाउंटेबिलिटी कमीशन को इसलिए खत्म कर दिया ताकि अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचा सके। पत्रकारों से बात करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और बहुत से नेताओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है जिसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा अगर अकाउंटेबिलिटी कमीशन होता तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर लगाम लग चुकी होती। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कमीशन कायम करने का समर्थन भी किया कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी कमीशन बहाल किया जाए और उन मंत्रियों की, विधायकों की इंक्वायरी अकाउंटेबिलिटी कमीशन के माध्यम से हो जिनके बारे में अक्सर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप पिछले 6 सालों से लगाए जाते रहे हैं। और जब तक अकाउंटेबिलिटी कमीशन का गठन नहीं हो जाता है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया जाए, क्योंकि भारी पैमाने के ऊपर सरकारी खजाने की लूट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। सरकारी ज़मीनों के ऊपर नेताओं द्वारा कब्जे किए गए, जंगलात की ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए गए, इंश्योरेंस स्कैम्स यहाँ हुए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पावर डिपार्टमेंट में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के गबन हुए, पावर प्रोजेक्ट्स की अलॉटमेंट में कई 1000 करोड़ रुपए के गबन हुए। और इन सब का खुलासा गवर्नर जो मलिक रहे हैं उन्होंने किया बार बार। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित लोगों के लिए चलाई जा रही राहत पैकेज योजना को बंद किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार पीओजेके के विस्थापित लोगों को 5.5 लाख रुपए की जो राहत राशि दे रही थी उस योजना को बंद करने का आदेश सरकार ने जारी किया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना में जो जम्मू कश्मीर की ओर से शेयर देना था वह अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए, लिहाजा ये योजना अभी तक बंद नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर पीओजेके के लोगों के साथ खड़े हैं। कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो आर्डर निकाला है, एक नोटिस निकाला है कि जो पीओजेके के लिए जो 2016 में एक स्कीम लागू की थी केंद्र सरकार की, जिसमें 5.5 लाख रुपया एक अमाउंट फिक्स किया गया था पीओजेके की डिस्प्लेस फैमिलीज़ के लिए, 1965 की डिस्प्लेस फैमिली के लिए, 1971 की डिस्प्लेस फैमिलीज़ के लिए, जो लगभग 36,384 फैमिली थी। तो आज तक वो क्लेम सिर्फ और सिर्फ अवेल कर पाए हैं 20,814 लोग, लगभग 16,000 फैमिलीज़ जो अभी तक अपने क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, क्योंकि बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से बनने हैं, कोर्ट के अंदर वो काम नहीं हो रहा है। तो ये स्कीम जो अब्रप्टली वापस ली जाना, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है और आम आदमी पार्टी पीओजेके के डीपीस के साथ खड़ी है, 1965 के डीपीस के साथ खड़ी है, 1971 के डीपीस के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जब तक सभी के सभी लोग, एक तो इसको प्रोसेस को और इजी किया जाए, पीआरओ ऑफिस के अंदर, कस्टोडियन जनरल के ऑफिस के अंदर वहाँ पीआरओ को बिठाया जाए जो
लोग के सेक्रेटेरिएट के अंदर ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है ताकि लोग अपने समय रहते अपने जो क्लेम के लिए अप्लाई कर पाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, बारिश के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में अभी भी गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। एमजी नरेगा के विकास के कामों में मटेरियल सप्लाई करने वाले लोगों ने पेमेंट्स नहीं दिए जाने के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। और बिश्नाह क्षेत्र में खेल का मैदान न होने के कारण युवाओं को लेना पड़ रहा है खेतों का सहारा। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.